नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को इस भर्ती के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगा कि कब इसकी वैकेंसी आएंगी और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहेंगी, क्योंकि इसे भी लेकर एक काफी बड़ा डाउट बना हुआ है कि कितनी इस बार वैकेंसी रह सकती है। तो सारी चीजें इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप एसएससी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस्ट बुक आती है चेकबुक एप्लीकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया, तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही में इसके प्रैक्टिस साइड एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो ये वाली बुक भी परचेस कर सकते हैं, जिससे प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। तो जैसा कि देखिए, आप सभी को पता है कि पहले इस भर्ती के बारे में बात चल रही थी कि 26,000 पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद बात आती है कि इसमें 8,000 पीएसी के पदों को भी शामिल किया जाएगा, कि 35,000 पदों पर ये भर्ती निकाली जाएगी। और इसके बाद फाइनली एक बात निकल के आती है लास्ट, आप सभी को पता है पुलिस स्मृति दिवस पर जो संबोधन किया गया था उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बताया गया था कि 45,689 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है और इस पर काम चल रहा है। और बहुत बार आप सभी ने देख लिया होगा भर्ती बोर्ड वगैरह यूपी पुलिस की तरफ से भी जब इस पे ट्विटर अभियान वगैरह चलाया गया था कैंडिडेट के द्वारा, तो उस पे भी ये जवाब दिया गया था कि 45,689 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इस पे काम किया जा रहा है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि हाल ही में कैबिनेट मीटिंग हुई है, उस कैबिनेट मीटिंग में भी इस भर्ती के बारे में बात की गई है और इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस भर्ती जो है इसका विज्ञापन जारी करके इस पे ऑनलाइन आवेदन पत्र ले लिए जाए। और इस प्रक्रिया के लिए बोला गया कि नवंबर में ही इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाए। साथ ही में बहुत सारे न्यूज़पेपर और आर्टिकल में आपको ये भी देखने के लिए मिला होगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि 26,000 पदों पर ये भर्ती होनी है। तो देखिए, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि हाँ, ये बात सही है कि पहले 26,000 पदों की बात चल रही थी, लेकिन आप सभी को पता होगा मे भी कि 20,000 कांस्टेबल को प्रमोट करके हेड कांस्टेबल बना दिया गया है, जिसकी वजह से सिपाही के पदों की जो संख्या है वो रिक्तियों की संख्या ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उन पदों को भी इसी भर्ती में शामिल करके पदों की संख्या को 45,689 कर दिया गया है। तो आप सभी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, आपकी जो भर्ती होगी लगभग 40 से 45,000 पदों पर ही आपकी ये भर्ती होनी है। और जब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जा चुका है इसके बारे में कि 45,689 पदों पर भर्ती होनी है, तो निश्चित तौर पर इन पदों की संख्या 45,689 ही रहेगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 100-200 पद ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी का लगभग इतने ही पदों पर ये भर्ती होगी। दूसरा, इसके बाद जो सबसे मेन सवाल आता है वो आता है कि ये जो भर्ती होगी कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो जैसा कि अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि एक कैबिनेट मीटिंग में इसके बारे में बताया गया था कि नवंबर में इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि थोड़ा और डिले भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि इस ईयर के लास्ट तक ये जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे कैंडिडेट अफेक्ट होंगे क्योंकि वो ओवरेज हो जाएंगे। इसी वजह से इसकी जो बात चल रही है इस ईयर में चल रही है, तो निश्चित तौर पर आप ये मान सकते हैं कि इस ईयर में आपकी वैकेंसी निकल जाएंगी। बाकी का दूसरी बात यह है कि अगर आप एग्जैक्ट डेट जानना चाहते हैं कि कौन सी डेट को इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि कोई आपको ये क्लियर नहीं कर पाएगा कि कौन सी डेट को आएगा। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी दिन आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी कि आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, और वो आप भी सबसे पहले देख पाएंगे या कोई दूसरा भी देख पाएगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आपको वेट करना है एज रिलैक्सेशन वगैरह को लेके। ये है कि अभी तक उम्र में छूट की कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको उम्र में 1 से 2 साल की छूट मिल जाए। बाकी का जो भी नोटिफिकेशन रिलीज होगा तभी ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वर्ष के अंत तक ये भर्ती जारी की जा सकती है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। बाकी का अभी हाल ही में इसका कोई आधिकारिक ऑफिशियल नोटिस वगैरह कुछ भी जारी नहीं किया गया कि इस दिनांक से इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी की अगर कोई भी अपडेट होगी तो हमारे चैनल पर आपको अपडेट जरूर मिल जाएगी। साथ ही में अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नोटिस वगैरह आते रहते हैं, वो हम आप सभी को उस चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आगे जो भी अपडेट रहेगी उसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे और मिलेंगे एक अच्छी सी अपडेट के साथ, और आई होप कि नोटिफिकेशन के साथ ही आपसे मिलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।